ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के ईश्वरीय मधुर महावाक्य हैं 10 मई 2023। आज की मुरली के सार में बाबा ने सेवा के लिए टाइटल दिया कि तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुमसे बाप सेवा कराते हैं कि बच्चे तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, दुख धाम को सुख धाम बनाना है। फिर दूसरा टाइटल दिया कि तुम एक्सपर्ट हो, तुम हो सभी मनुष्यात्माओं की सर्व मनोकामनाएं स्वर्ग में पूरी करने वाले अथवा मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति का फल दिलाने वाले। फिर कहा बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चे यह इंद्र सभा है, यहाँ तुम सब रतन बैठे हो, फिर कोई पत्थर बुद्धि होगा तो वायुमंडल को खराब करेगा, उनको अपने मित्र संबंधी याद आते रहेंगे। बाबा कहे तुमको तो अपने बाप को निरंतर याद करना है। और कहा कि तुम भारत को सुप्रीम शांति में ले जाते हो तो तुमको प्राइज मिलती है, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर यह सब सेवा के लिए पात्र बनने के लिए कहा कि जो जो पवित्रता की अंगुली देते हैं, मन मनाभव रहते हैं, वही मददगार हैं। फिर पुरुषार्थ बताया कि कर्म इंद्रियों से डिटैच हो, फिर मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा, तो तुमको शक्ति मिलेंगी। सुनते हैं बाबा के इन अनमोल महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, दुख धाम को सुख धाम बनाना है। आज मुरली में बाबा ने प्रश्न पूछा, संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट तीखे बन जाते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, सभी मनुष्यात्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में अभी तुम एक्सपर्ट बने हो। मनुष्यों की कामना मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की है, वह तुम्हें पूर्ण करनी है। तुम सभी को शांति का रास्ता बताते हो। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती, लेकिन आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। शरीर से डिटैच हो, बाप को याद करो तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। शरीर से डिटैच हो, बाप को याद करो तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। आज मुरली में गीत बजा, मुखड़ा देख ले प्राणी। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाप का मददगार बनना है, पवित्रता की अंगुली देनी है और मन मनाभव रहना है। दूसरा, भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है, इस शरीर से डिटैच हो, बाप की याद में रहकर शांति लेनी है, शांति का दान देना है। आज बाबा ने वरदान दिया, तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिवान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिवान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। स्पष्टीकरण है, जो तीनों कालों और तीनों लोकों के नॉलेजफुल हैं उन्हें ही बुद्धिवान अर्थात गणेश कहा जाता है। गणेश अर्थात विघ्न विनाशक, वह किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकते। यदि कोई विघ्न रूप बने भी तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ, इससे विघ्न खत्म हो जाएंगे। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देती हैं, उसका वर्णन नहीं करती। आज का स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।